ना हाँ। कोई पैसा देता है ना जबरदस्ती करता है हाँ। से भैया बंद कोठरी में थी, हम लाखों के सामने बोल सकते हैं, कोई साथ नहीं देता। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक बहन रो रो कर बता रही है कि उसकी बेटी बिना वस्त्र के घर में टहलती थी, यानी घूमती थी। ये बहन रो रो कर बता रही है कि मेरी बेटी 5 साल से बंद कोठरी में थी, यीशु ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है, चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करें, छोटा सा संदेश इस न्यूज को दबा के शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। 5 साल से भैया बंद कोठरी में थी, हम लाखों के सामने बोल सकते हैं, कोई साथ नहीं देता। ईश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आज ही बेटी बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी। क्या करके? बिना वस्त्र के पूरे घर में टहलती थी। देख लीजिए, ये क्या नाम है? सुप्रिया नाम। प्रिया अब तो बोलती है भैया, नहीं 15 दिन 15 दिन खाना नहीं खाई, कोठरी में बंद, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको जीवन दिया। तो आपकी लड़की कपड़े निर्वस्त्र रहती थी? हाँ भैया, हाँ। दिमाग में दिमाग काम नहीं करता था उसका। अरे अरे, आज कितने वक्त तक ये दिक्कत रही? 5 साल भैया, इस बेटी को प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से संभाला। वो ऐसे रही है? हाँ, यीशु मसीह ने इसको संभाला। अभी क्या महसूस होता है? क्या नाम है तुम्हारा? अच्छी हो गई। प्रिया। प्रिया, प्रिया नाम। अभी क्या महसूस होता है? प्रभु ने क्या अनुग्रह किया? पहले से काफी ठीक है। कैसे ठीक है? मेरी रानी बहुत अच्छी हो गई। यीशु मसीह की गवाही में 1,00,000 के सामने कह सकते हैं भैया, प्रभु जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया।